Hello friends, welcome to LK Academy. I hope every one of you is safe and doing well from your home, at your home. Okay, so today we will continue with your current affairs lectures. I hope you have gone through every previous lectures of current affairs. Okay, if not, then please use this time productively. Okay, चलिए तो आपका आज का पहला current affairs का topic जो है वो है ordinance to protect health workers. Okay. ये कोई नई बात नहीं है. ओके okay, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जब से मान लीजिए लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से जो हेल्थ वर्कर्स है ओके okay, जो डॉक्टर्स है वो नर्सेज है उनपे हॉस्पिटल में और वो जब मास टेस्टिंग के लिए कोई एरियाज में या कोई कॉलोनीज में जाएंगे तो उनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग या स्पिटिंग जैसे इंसिडेंट हमको देखने को मिले हैं. तो इसी वजह से जो हमारी सिविल सोसाइटी थी उन्होंने ये मांग उठाई थी कि भाई एक ऐसा ऑर्डिनेंस हमारे पास होना चाहिए, ऐसा रूल हमारे पास होना चाहिए कि जिसकी वजह से अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई डॉक्टर नर्स या जो भी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स है उनको अगर परेशान किया जाता है ओके तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. ओके अब देखिए ऐसा अगर रूल पास करना है तो मुझे पार्लियामेंट के थ्रू ही पास करना पड़ेगा. अभी पार्लियामेंट तो सेशन में है नहीं. क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है इसीलिए लाया गया है ये ऑर्डिनेंस. तो ये हो गई आपकी ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन. जब पार्लियामेंट आपके सेशन में नहीं है तब अगर कैबिनेट कोई रूल लाना चाहता है तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की मंजूरी से ओके प्रेसिडेंट की परमिशन से कोई नियम लाया जा सकता है. ओके चलिए The President has given his assent to an ordinance passed to amend the Epidemic Disease Act 1897. Wider inclusion, the amendments intended to protect the health workers from harassment by public. Okay, Indore mein hua, Ahmedabad mein hua, kafi sari jagahon pe humko aisa dekhne ko mila ki nurses ko attack kiya ja raha hai, doctors ko attack kiya ja raha hai, okay, Asha workers ko attack kiya ja raha hai. The amendments will also apply to harassment by landlords and neighbors. Cognizable and non-cognizable and non-bailable offense ये माना जाएगा. ओके अब cognizable offense क्या है कि पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके अगर पुलिस को लगता है कि भाई इसने कुछ किया है तो विदाउट वेटिंग फॉर द मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर कोर्ट के ऑर्डर के बिना ही वो उसकी अरेस्ट कर सकती है पुलिस. ओके जो भी अक्यूज्ड है उसकी. ओके वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल स्टाफ हैज बीन मेड कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस. आपको बेल भी नहीं मिलेगी. ओके अगर एक बार पुलिस को लगता है कि आपने किया है ये तो आपको बेल मिलना भी मुश्किल हो जाएगा. कंपेंसेशन क्या दिया जाएगा इसमें. प्रोविजन फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर इंजरी टू हेल्थ केयर पर्सनल और फॉर डैमेज और लॉस टू प्रॉपर्टी. ओके तो अगर या तो इंजरी होती है ओके या तो कोई और डैमेज होता है या तो लॉस टू प्रॉपर्टी होता है तो इस केसेस में कंपनसेशन का प्रोविजन रखा गया है. इफ डैमेज वॉज डन टू व्हीकल्स और क्लिनिक्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स अ कंपनसेशन अमाउंटिंग टू ट्वाइस द मार्केट वैल्यू ऑफ द डैमेज्ड प्रॉपर्टी वुड बी चार्ज फ्रॉम द अक्यूज्ड. देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि अगर कुछ भी व्हीकल का या क्लिनिक का डैमेज पाया जाता है ओके इन्वेस्टिगेशन के बाद तो जो अक्यूज्ड है उसके पास उसका डबल मार्केट वैल्यू वसूला जाएगा. ओके चार्ज अक्यूज्ड को किया जाएगा. ओके ऐसा ऑलरेडी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने यहाँ कर चुकी है. जब दिल्ली वाले दंगे हुए थे ओके सीए के अगेंस्ट में तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑलरेडी ये सारी चीजें अपने यहाँ पे अप्लाई कर चुकी है. टाइमली इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ अटैक्स ऑन हेल्थ केयर वर्कर्स द इन्वेस्टिगेशन विल बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज एंड द फाइनल डिसीजन अराइव्ड विद इन दी यर. ओके तो एक साल में फाइनल डिसीजन आ जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन है वो 30 दिन में पूरी हो जानी चाहिए. उसके बाद आप कोर्ट में जाके चार्जशीट फाइल करवा सकते हो. अम्ब्रेला प्रोटेक्शन क्या है. द ऑर्डिनेंस विल प्रोटेक्ट द होल हेल्थ केयर फ्रेटर्निटी इंक्लूडिंग डॉक्टर्स नर्सिस एंड आशा वर्कर्स फ्रॉम वायोलेंस ड्यूरिंग एपिडेमिक्स. ओके तो ये देखिए ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं लाया गया है, ये लाया गया है वायोलेंस ड्यूरिंग ऑल फ्यूचर एपिडेमिक्स. ओके सो आने वाले टाइम में अगर कोई एपिडेमिक आता है तो उसके लिए भी ये लागू रहेगा. क्यों लागू रहेगा, क्योंकि ये पूरे एपिडेमिक डिजीज एक्ट को अमेंड करता है. ओके अब पनिशमेंट क्या है.
The punishment for such attacks will be 3 months to 5 years and the fine of 50,000 to 2 lakh rupees. In severe cases where there are grievous injuries, the punishment will be 6 months to 7 years and fine 1 lakh to 5 lakh rupees. Okay, तो ये सजा का प्रावधान रखा गया है ओके, ताकि डॉक्टर और नर्सिस पे कोई हमला ना कर सके. वो अपनी जान खतरे में रखकर, अपनी फैमिली की जान खतरे में रखकर हमारे लिए जब इतना कर रहे, तो इन द आइडियल सोसाइटी ये प्रोविजन लाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ओके. बट हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम डॉक्टर्स पे भी हमला कर रहे हैं, हम नर्सिस पे भी हमला कर रहे हैं, जो अपनी जान ताक पे रखकर हमारे लिए लड़ रहे हैं ओके, इन दिस अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स ओके. एंड दैट्स वाई उनको सिक्योरिटी मिल पाए, इसीलिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है ओके. नाउ व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस? द कॉग्निजेबल ऑफेंस इज एन ऑफिसर कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन अरेस्ट सस्पेक्ट विदाउट सीकिंग अ कोर्ट्स वारंट. देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मैजिस्ट्रेट की साइन की यहाँ पे जरूरत नहीं है अरेस्ट के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए ओके. विदाउट सीकिंग कोर्ट्स वॉरंट टू डू सो इफ शी हैज अ रीजन टू बिलीव, जस्ट टू रीजन, उसको ऐसा जस्ट लगता है कि भाई हाँ इसने किया होगा, तो उसको पुलिस उसकी अरेस्ट कर सकती है. दैट द पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस एंड इज सेटिस्फाइड दैट द अरेस्ट इज नेसेसरी ऑन सर्टेड इन्यूमरेटेड बेसिस. अकॉर्डिंग टू द 177th लॉ कमीशन रिपोर्ट, cognizable offenses are those that require an immediate arrest. Within 24 hours of the arrest, the officer must have detention ratified by a judicial magistrate. Cognizable offenses are generally heinous or serious in nature, such as murder, rape, kidnapping, theft, dowry, death, etc. Okay, तो देखिए, अगर murder, rape, kidnapping, theft, dowry, death, etc. तो जब होता है ओके, तो उसके लिए आप मजिस्ट्रेट या कोर्ट के ऑर्डर का वेट नहीं करोगे, पुलिस को ऑन द स्पॉट एक्शन लेना पड़ेगा राइट. एंड दैट्स व्हाई दीज एंड लाइकली क्राइम्स फॉल इन द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ओके. द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज रजिस्टर्ड ओनली इन कॉग्निजेबल क्राइम्स ओके. और कॉग्निजेबल क्राइम्स में आपको पता है कि FIR रजिस्टर करवानी पड़ेगी ओके, FIR दर्ज करवानी पड़ेगी. एंड दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIR, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ओके. चलिए, अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? इन केस ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द अक्यूज्ड विदाउट अ वारंट एज वेल एज कैन नॉट स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट द प्रियर परमिशन ऑफ द कोर्ट ओके. अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कोर्ट का फरमान जरूरी है ओके, कोर्ट का वारंट, कोर्ट की परमिशन जरूरी है टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज टू अरेस्ट द अक्यूज्ड ओके. द क्राइम ऑफ फॉर्जरी, चीटिंग, डिफेमेशन, पब्लिक न्यूसेंस एटसेट्रा फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉग्निजेबल क्राइम्स, जो कि काफी लो लेवल के क्राइम्स जिसको आप कह सकते हो नॉर्मल क्राइम्स ओके. चलिए, अब देखिए बैकग्राउंड क्या था कि क्यों ये पेंडेमिक की सिचुएशन में जो अटैक हो रहे थे वो लाया गया. हेल्थ केयर वर्कर्स आर बींग पोर्ट्रेड एज अ पोटेंशियल स्प्रेडर्स ऑफ COVID-19 पेंडेमिक ओके. पब्लिक वेंटिंग ऑफ एंगस्ट अगेंस्ट हेल्थ केयर सर्विस personnel leading to harassment, assault or damage to property is being highlighted daily. Therefore, the medical community has been demanding protection. जो हमारे लिए 24 घंटे वहाँ पे लड़ रहा है, हमारी सेवा कर रहा है, हमारा क्योर कर रहा है, उसी को लोग लग रहा था कि भाई डॉक्टर एंड नर्सिस ही सबसे ज़्यादा कोरोना फैला रहे हैं ओके. एंड उसी लिए उनके ऊपर क्या हो रहा था, हमले हो रहे थे ओके. यूनिक चैलेंज क्या था? The COVID-19 outbreak has posed a unique situation where harassment of the healthcare workforce and others working to contain the spread of the disease has been taking place of all fronts in various places, including in cremation grounds. Okay, or deficiency in state laws kya hai? Several states has enacted special laws to offer protection to doctors and other medical personnel in the past. However, these existing state laws does not have such a wide ambit. They generally do not cover harassment at home and workplace and are focused more on physical violence. The penal provisions contained in these laws are not stringent enough to deter mischief
मॉन्गरिंग। ओके, तो काफी सारे स्टेट में रूल्स तो थे बट ऐसे रूल्स नहीं थे कि आपको कोई अगर मेंटल प्रेशर दे रहा है किसी डॉक्टर को या नर्स को, ओके, या स्टोन पेल्टिंग हो रही है, ओके, तो वैसे सारे रूल्स यहाँ पे नहीं थे क्योंकि आज तक वैसा हमने फेस ही नहीं किया था। वो फेस हमने पिछले 40-45 दिनों में किया एंड दैट्स वाई ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। ओके, अब ऑर्डिनेंस क्या है? देखिए, ऑर्डिनेंस इज अ डिक्री और अ लॉ प्रोम्यूलगेटेड बाय अ स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। ओके, देखिए अभी तो लेजिस्लेचर हमारा काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना? तो लेजिस्लेशन काम नहीं कर रहे इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पूरा देश बंद करके बैठ जाओगे, राइट? चलिए, आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स द प्रेसिडेंट सर्टेन लॉ मेकिंग पावर्स टू प्रोम्यूलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन ईदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ओके, अब चलिए मान लीजिए राज्यसभा सेशन में नहीं और पार्लियामेंट ने कोई बिल पास कर दिया, क्या वो एक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि दोनों सदनों को, दोनों हाउसेस को किसी बिल को पास करना जरूरी है, उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेंगे एंड आफ्टर दैट ओनली दैट बिल विल बिकम एन एक्ट। अब यहाँ पे तो हमारे दोनों ही सदन काम नहीं कर रहे तो कोई भी एक्ट आप बना नहीं पाओगे। इन दिस केस आर्टिकल 123 कम्स इन टू पिक्चर। तो आर्टिकल 123 के अंडर में प्रेसिडेंट को कुछ लेजिस्लेशन पावर दिया गया है, कुछ लॉ मेकिंग पावर्स दिए गए हैं। ओके, तो आर्टिकल 123 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। सिमिलर पावर्स आर गिवन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स टू इश्यू ऑर्डिनेंस अंडर द आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है कि जो स्टेट या तो जो स्टेचर नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट का है वही स्टेचर स्टेट लेवल पे गवर्नर का है। ओके, तो वैसे ही सेम पावर आर्टिकल 213 में किसको दिए गए हैं? गवर्नर को दिए गए हैं। देर आर थ्री लिमिटेशंस विथ रिगार्ड टू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। दे आर द प्रेसिडेंट कैन ओनली प्रोम्यूलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन आइदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ओके, तो वो देखिए ये ऑर्डिनेंस लाने की जो अभी की जो हमारी कंडीशन थी वो यहाँ पे पूरी हो रही है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रोम्यूलगेट एन ऑर्डिनेंस अनलेस ही इज सेटिस्फाइड दैट देर आर सर्कमस्टेंसेज दैट रिक्वायर टेकिंग इमीडिएट एक्शन। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ये इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी था, तो वो लगा प्रेसिडेंट को, इसलिए ऑर्डिनेंस पे उन्होंने सिग्नेचर किया। अब क्यों ये इमीडिएट एक्शन था? हम पार्लियामेंट के आने का वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये जो पेंडेमिक है वो कब तक चलने वाला है। तो हेल्थ वर्कर्स को आज के दिन, टुडे फ्रॉम नाउ ऑन, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी एंड दैट्स वाई ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाई पार्लियामेंट विद इन 6 वीक ऑफ रीअसेंबलिंग और दे शैल कीज टू ऑपरेट। दे विल ऑल्सो कीज टू ऑपरेट इन केस रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द ऑर्डिनेंस आर पास्ड बाई बोथ दी हाउसेज। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली 6 मंथ होगा, 6 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट को इसको पास करवाना होगा। ओके, तभी जाके ये होगा, अदरवाइज ये इसको काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए अब एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 क्या है? ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट इनिशियली वॉज पास्ड इन फेब्रुआरी 1897 इन द वेक ऑफ आउटब्रेक ऑफ द बुबोनिक प्लेग इन इंडिया। ओके, तो तब जो प्लेग फैला था तब ये एक्ट लाया गया था इन 1897। द एक्ट एम्स टू प्रोवाइड फॉर द बेटर प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डेंजरस एपिडेमिक डिजीज। ओके, ये जब हम पहला लेक्चर जब हमने ऑनलाइन लिया था तब ये टॉपिक हम ऑलरेडी देख चुके थे। ओके, तो दिस इज जस्ट जस्ट इन रिविजन फॉर यू। इट एम्पावर्स द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक स्पेशल मेजर्स एंड प्रिस्क्राइब्स रेगुलेशन दैट आर टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द पब्लिक टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ डिजीज। इट ऑल्सो मेक डिसोबीडियंस ऑफ एनी रेगुलेशन और ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट अ पनिशेबल ऑफेंस। ओके, इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन और ऑफिशियल्स एक्टिंग अंडर दिस एक्ट एज नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग डन और इन गुड फेथ इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। ओके, तो दिस इज क्वाइट एन ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए अब और एक टॉपिक यहाँ पे हमारे लिए कोविड-19 के बीच जो बढ़ता हुआ दिखा, जो सुप्रीम कोर्ट ने लाया है हमारे ध्यान में, दैट इज द रिजर्वेशन का जो
पिटीशन दाखिल की गई थी रिजर्वेशन के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया। ओके चलिए देखते हैं क्या है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड द जनवरी 2000 ऑर्डर ऑफ द गवर्नर ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश विच प्रोवाइडेड 100% रिजर्वेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स इन पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर्स इन शेड्यूल्ड एरियाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके तो जो 100% रिजर्वेशन उस टाइम के आंध्र प्रदेश स्टेट ने, अब तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए, ओके तो उस टाइम के आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने, ओके जो 100% रिजर्वेशन दिया था शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स को, ओके इन पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर्स इन शेड्यूल्ड एरियाज, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। इट ऑल्सो हाईलाइटेड दैट द अदर बैकवर्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड कास्ट एंड एसटीज रिजर्वेशन बेनिफिट आर नॉट रीचिंग द ट्रूली डिजर्विंग। ओके ये ऑन ग्राउंड की रियालिटी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताई है कि भाई जो ऑन ग्राउंड पे जिसको जरूरत है उसको ये बेनिफिट्स रिजर्वेशन के नहीं पहुंच रहे हैं। ओके द अपेक्स कोर्ट सेड दैट 100% रिजर्वेशन इज नॉट परमिसेबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज द आउटर लिमिट इज 50% एज स्पेसिफाइड इन इंदिरा साहनी केस 1992। ये ऑलरेडी हम क्लास में, ओके इंदिरा साहनी केस 1992 को हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके और ये सेम टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमने ये बोला था कि भाई ये मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास गया है, तो ये उसका अपडेट आपको अब यहाँ पे आज 4-5 महीनों के बाद आपको यहाँ पे मिला है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उसको रिव्यू किया और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। ओके क्यों बता दिया है? क्योंकि एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द जजमेंट गिवन इन इंदिरा साहनी केस 1992। ओके अब आप कहोगे कि भाई 10% ये जो EWS वालों को भी तो रिजर्वेशन दे रही है गवर्नमेंट, उसके लिए ऑलरेडी पिटीशन दाखिल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दी है और सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर रहा है कि EWS रिजर्वेशन इज वैलिड और नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके वो जब आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। 100% रिजर्वेशन वुड बिकम डिस्क्रिमिनेटरी एंड इनपरमिसेबल। ओके 100% रिजर्वेशन देना इज टोटली डिस्क्रिमिनेशन, राइट? वहां पे मतलब और कोई फिर नौकरी या पढ़ाई में जा ही नहीं पाएगा। ओके द सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स एंड द टोटल एक्सक्लूजन ऑफ अदर बाय क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर वन क्लास इज नॉट कंटेम्पलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इट ऑल्सो डिप्राइव्स SCs एंड OBCs ऑफ देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन। ओके जब मैं पूरे ST को 100% रिजर्वेशन दे दे रहा हूँ तो SC और OBC को उनका जो पार्ट है वो भी नहीं मिलेगा। ओके द अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी डिनाइड अनजस्टली टू द इनकम्बेंट्स एंड इट इज द ओनली प्रेरोगेटिव ऑफ फ्यू। ओके तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई आइडियल सोसाइटी है तो सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल राइट्स ऑफ जो पब्लिक रिसोर्सेज है उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड परस्यूट ऑफ चॉइस अंडर आर्टिकल 51A कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ अनजस्टली एंड आर्बिटेरीली। तो 51A में आपको दिया गया है कि भाई सब सारे जो पब्लिक रिसोर्सेज है उस पर सबका इक्वली आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर आप किसी को 100% रिजर्वेशन दे देते हो तो 51A का यहाँ पे वायोलेशन आपको होता हुआ दिख रहा है। और क्या क्या चीजें हैं? इट इज एन आर्बिटेरी एंड वायोलेटिव ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14 दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15(1) डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन एंड 16 दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे आर्टिकल्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है। कब? जब आप 100% किसी एक कास्ट को रिजर्वेशन दे रहे हो। इट ऑल्सो इम्पिंज अपॉन द राइट्स ऑफ ओपन कैटेगरी बिकॉज ओनली STs विल फिल ऑल द वेकेंट पोस्ट लीविंग SCs एंड OBCs फार बिहाइंड। ओके चलिए ओपन कैटेगरी क्या है? इट मीन्स फॉर ऑल कास्ट द 50% अनरिजर्व्ड सीट्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू जनरल कैटेगरी
they can be filled by reserved categories only, as well as in case all seats are not occupied by the general category. तो अगर मान लीजिए कि रिजर्व कैटेगरी वाले जो लोग हैं, ओबीसी एससी एसटी वाले, वो अगर जनरल कैटेगरी में सीट फिल करना चाहे तो वो कर सकते हैं, बट वाइस वर्सा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. जनरल कैटेगरी वाला बंदा ये 50% में नहीं आ सकता. ओके और ये काफी सालों से डिबेटेबल टॉपिक हमारे लिए रहा है. द एससी हैज अलाउड द रिक्वेस्ट नॉट टू क्वॉश द अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी मेड अंडर द 2000 ऑर्डर. However, it has warned Andhra Pradesh and Telangana against making such provisions in the future. In case they do so, exceeding the limit of reservation, the appointments which have not been quashed now will also be considered null and void. Okay? So, jinko already appointment mil chuka hai, unko milega. But aane wale saalon mein aisa nahi hona chahiye. Aisa hamari Supreme Court ne kaha hai. Okay? Ab dekhiye Indira Sahani and केंद्र सरकार यूनियन ऑफ इंडिया केस क्या था 1992 का. द सुप्रीम कोर्ट वाइल अपहोल्डिंग द 27% कोटा फॉर बैकवर्ड क्लासेस स्ट्रक डाउन द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिजर्विंग 10% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस अमंग द हायर कास्ट. ओके तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसलिए मैं इसमें वापस जाना नहीं चाहता. जस्ट यू रीड दिस. ओके अगर कोई डाउट है तो फिर मुझे बताइए. ओके तो तब सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि भाई 50% से ज्यादा किसी भी स्टेट में या किसी भी ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन 51% नहीं कर सकते. ओके और इसीलिए जो हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, दैट इज ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन. ओके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो 10% रिजर्वेशन दिया गया था, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट वो इसको वायोलेट करता है. ओके सो दैट्स वाई उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अभी बना दी गई है. ओके चलिए नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020. ओके रिपोर्टर्स सान फ्रंटियर्स. इंडिया हैज ड्रॉप्ड टू टू प्लेसेस ऑन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 टू बी रैंक्ड 142nd आउट ऑफ 180 कंट्रीज. ओके तो ये इंडिया का रैंक आप नोट डाउन करते जाइए. आउट ऑफ टोटल कंट्रीज है आपके यहाँ पे 180, जिसमें से इंडिया को रैंक मिला है 142. और नाम पे से ही पता चल रहा है कि ये इंडेक्स आपको क्या बता रहा होगा. ओके नॉर्वे इज रैंक्ड फर्स्ट इन द इंडेक्स फॉर द फोर्थ ईयर रनिंग, फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर. साउथ एशिया इन जनरल फीचर्स पुअरली ऑन इंडेक्स विद पाकिस्तान ड्रॉपिंग 3 places टू 145. ओके पाकिस्तान 145, बांग्लादेश टू 151. चाइना एट 177th पोजिशन is just 3 places above North Korea, which is at 180. ओके अब देखिए चाइना में कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वहां पे आपको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है. ओके प्रेस फ्रीडम वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा. ओके चलिए इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन जर्नलिज्म क्या हुआ है. द कमिंग डिकेड विल बी डिसाइसिव फॉर द फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म with the COVID-19 pandemic highlighting and amplifying the many crises that threaten the right to freely reported, independent, diverse and reliable information. Okay, आप देख ही रहे होंगे कितना अफवाह कितनी फैल रही है. सही जर्नलिज्म आपको आजकल कहीं देखने को नहीं मिल रहा है. India's performance analysis, क्यों इंडिया इतना पीछे गया है, reason behind decline in India's performance क्या है. प्रेशर ऑन द मीडिया टू एक्सेप्ट द नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हिंदू लाइन. ओके अब देखिए ये इंटरनेशनल फोरम ये कह रही है, सही ही है, ऐसा अपने को मानने की जरूरत नहीं है. द कोऑर्डिनेटेड हेट कैंपेन्स वेज्ड ऑन सोशल नेटवर्क्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट हु डेयर टू स्पीक और राइट अबाउट द सब्जेक्ट दैट अनोय हिंदुत्व फॉलोअर्स. द कैंपेन्स आर पर्टिकुलरली सीवियर व्हेन द टारगेट्स आर वुमन. इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट विथ नो मर्डर्स ऑफ जर्नलिस्ट इन इंडिया इन 2019 एज अगेंस्ट 6 इन 2018 द सिक्योरिटी सिचुएशन फॉर द कंट्रीज मीडिया माइट सीम ऑन द फेस ऑफ इट टू हैव इम्प्रूव्ड. ओके तो गौरी लंकेश 2018 में, कर बेंगलोर में गौरी लंकेश
बिहार में काफी सारे जर्नलिस्ट मारे गए थे, तो वैसा 2019 में एक भी जर्नलिस्ट की मौत नहीं हुई है। ओके, प्रेस फ्रीडम वायोलेशन क्या कह रहा है? देर हैव बीन कॉन्स्टेंट प्रेस फ्रीडम वायोलेशंस दैट इंक्लूड पुलिस वायोलेशन अगेंस्ट जर्नलिस्ट, एम्बुशेस बाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड अटैक इंस्टिगेटेड बाय क्रिमिनल ग्रुप्स और करप्ट लोकल ऑफिशियल्स। ओके, अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है? इट हैज बीन पब्लिश्ड एवरी ईयर। ओके, तो देखिए एवरी ईयर वो पब्लिश होता है। कब से पब्लिश हो रहा है? 2002 से पब्लिश हो रहा है, बाय रिपोर्टर्स सांस फ्रंटियर्स RSF। ओके, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके, आप ये दोनों नाम आपको याद रखने, ये दोनों पब्लिश इसको करते हैं, बेस्ड इन पेरिस। ओके, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पेरिस में। RSF इज एन इंडिपेंडेंट NGO विद कंसल्टेटिव स्टेटस विद द यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को, द काउंसिल ऑफ यूरोप एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रेंकोफोनी। ओके, तो OIF, ये सारे एजेंसीज के साथ का जो डेटा है उसका इस्तेमाल करके RSF अपना डेटा पब्लिश करेगा। ओके, OIF इज 54 फ्रेंच स्पीकिंग नेशंस कलेक्टिव। देखिए ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, अगर आपको पता हो OIF हमने कहाँ पे पढ़ा था? 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। जब इंडिया को निरीक्षक का दर्जा मिला था, ओके, ऑब्जर्वर कंट्री का दर्जा मिला था, ओके, रिसेंटली अफ्रीका के साउथ ईस्ट में जो 5 आइलैंड नेशन है, ओके, लारी यूनियन, मॉरिशियस, तो ये सारे जो 5 जो नेशन है वहां पे उसको इंडिया को ऑब्जर्वर का पोस्ट मिला है। ओके, वो टॉपिक एक बार आपको रिवाइज करना है एज एन होमवर्क, और मुझे नीचे बताइए कि वो कौन सा संगठन है, कौन सी एजेंसी है, कौन से 5 कंट्रीज है। ओके, और वहां पे हमने ये OIF पढ़ा था। दिस इंडेक्स रैंक्स 180 कंट्रीज, तो टोटल कंट्रीज आपके हो गए 180 कंट्रीज एंड रीजियंस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ फ्रीडम अवेलेबल टू जर्नलिस्ट। द पैरामीटर्स इंक्लूड प्लूरलिज्म, मीडिया इंडिपेंडेंस, मीडिया एनवायरमेंट, सेल्फ सेंसरशिप, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंसी एंड द क्वालिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। तो ये सारे उसके पैरामीटर्स हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हमको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। ओके, अब महाराष्ट्र में देखिए क्या हुआ था। एक तो काफ़ी सारे मुश्किलों के बाद गठबंधन वाली सरकार बनी थी, ओके, शिवसेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस और NCP। ओके, उसके बाद जो CM बनाया गया वहां पे, उद्धव ठाकरे को CM बनाया गया। उद्धव ठाकरे जो थे वो इलेक्शन लड़े ही नहीं थे, इलेक्शन में उतरे ही नहीं थे, तो वो कैसे CM बन गए? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन आपको देता है कि चाहे आप चुनाव ना लड़े हो, चाहे आप इलेक्शन में खड़े ना हो, फिर भी आप कोई भी पोस्ट पे पहुंच सकते हो। बट एक बार वो पोस्ट पे इलेक्ट होने के बाद आपको विद इन 6 मंथ्स किसी भी सीट से इलेक्ट होके आना पड़ेगा। ओके, अब नवंबर में ये नेता CM बने, मुख्यमंत्री बने। ओके, उसके बाद आ गया हमारा फरवरी से COVID-19 वाला सिनारियो, तो एक क्राइसिस खड़ी हो गई कि भाई क्या करना है। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन को तो साइड पे नहीं रख सकते चाहे कितनी भी पेंडेमिक हो। ओके, तो उसी की वजह से जो वो नवंबर में बने, 28 नवंबर को, और 24 नवंबर को उनकी टर्म खत्म हो रही है, उनको 24 नवंबर से पहले पहले किसी भी एक हाउस, या तो विधानसभा या विधान परिषद, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर चुन के उनको आना है। ओके, चलिए क्या हुआ देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इज अकर्ड इन महाराष्ट्र दैट थ्रेटन्स द पोजीशन ऑफ इनकम्बमेंट चीफ मिनिस्टर। ओके, वो है उद्धव ठाकरे। द करंट चीफ मिनिस्टर टू द ओथ ऑफ हिज ऑफिस ऑन 28 नवंबर 2019 विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर द स्टेट लेजिस्लेचर और काउंसिल। ओके, अब देखिए जो स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है
वहां पे क्या सिनारियो सिर्फ लागू पड़ेगा कि उसको सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में से चुन के आना है। बट क्योंकि महाराष्ट्र में दोनों है, ओके, विधान परिषद भी और विधान सभा भी है, तो इसीलिए वहां पे कोई भी एक हाउस का मेंबर बन के वहां के चीफ मिनिस्टर को आना पड़ेगा। आर्टिकल 164 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अ पर्सन टू बिकम अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर फॉर द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ओथ। ओके, तो 6 महीने के लिए आप मिनिस्टर बन सकते हो। ओके, विद इन 6 months आपको चुन के आ जाना पड़ेगा। Therefore, in this case, the last date to become a member of either house is 24th May 2020. Election postponed हो गए क्यों? However, the Election Commission has postponed all election due to the coronavirus pandemic. अब government quota भी एक होता है। The state cabinet on April 9, 2020 recommended the present chief minister be nominated to the legislative council from the governor's quota. आर्टिकल 177 ये कहता है कि गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट कर सकता है किसी भी मेंबर को। देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी पूरा स्ट्रक्चर हम लोग क्लास में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। 112th टीचर्स होंगे, 112th इंजीनियर्स होंगे एंड सो ऑन। ओके, चलिए। हु हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। However, the governor has not taken any decision yet, which has created trouble for Uddhav Thackeray's CM post. Okay, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ये पहले की स्लाइड जो मैंने बनाई हुई थी वो है। अब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भाई 21 मई को इलेक्शन होगा, ओके, फॉर सीएम, मतलब जो भी अगर उनको चुन के आना है तो 21 को वहाँ पे इंटरनल इलेक्शन होगा। अदर लीगल इश्यूज, The other legal issue is related to Uddhav Thackeray's nomination to the Legislative Council on the vacant seat. According to Section 151A of Representation of the People Act 1951, nomination to the post cannot be done if the remainder of the term of a member in relation to a vacancy is less than 1 year. Okay, currently there are two vacancies in council, whose term will end on June 6, 2020. Therefore, the term of whose two vacancies is less than 1 year. So, वहाँ पे आप election करवा सकते। So, that is not a big deal. Okay. The limit for a bipole to fill vacancies is 6 months from the date of occurrence of vacancy, provided that nothing contained in this section shall apply if the remainder of the term of a member is relation to a vacancy is less than 1 year. Or the Election Commission, in consultation with the central government, certifies that it is difficult to hold the by-election within the said period. Okay, तो अभी देखिए इसमें final अब आने वाले कुछ दिनों में हमको पता चलेगा। वैसे वैसे मैं आपको अपडेट देता जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। रिसेंटली द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कंडेम्ड द अटैक ऑन द रिपब्लिक टीवी एंकर। ओके, जो अर्नब गोस्वामी पे जो अटैक हुआ, क्यों अटैक हुआ? क्योंकि सोनिया गांधी को कोई और उनके ओरिजिनल नाम से उन्होंने बुला लिया, तो कांग्रेस के गूंस ने उन पे अटैक किया। ओके, तो उसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कंडेम किया है। द पीसीआई वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द पीसीआई एक्ट ऑफ 1970 एक्ट, दैट्स व्हाई इट इज एन कौन सी संस्था हुई? वो संविधानिक संस्था हो गई। ओके, एम It aims to preserve the freedom of the press and maintain and improve the standards of newspapers and news agencies in India. Okay, तो ये उसका main aim है कि उनकी freedom, चाहे भी वो कितना भी true journalism करे, okay, कितना भी bold journalism करे, उनकी freedom बनी रहनी चाहिए। Okay, अब उसका composition क्या है? The PCI consists of a chairman and 28 other members. Okay, according to Act, PCI Act of 1978, the chairman is selected by the Speaker of Lok Sabha, the chairman of Rajya Sabha, and a member elected by the PCI. Okay, so chairman, इन लोग ये लोग chairman कौन होगा ये decide करेंगे। Function क्या है? The function of the PCI include क्या करता है? Helping newspapers maintain their independence, build a code of conduct for journalists and news agencies. Help maintain high standards of public taste
and foster responsibility among citizens, review developments likely to restrict flow of news. ओके, तो ये उसके बेसिक काम हो गए. ओके, और उसकी कुछ ज्यादा माहिती मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इट वॉज फर्स्ट सेटअप इन 1966 बाई द पार्लियामेंट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट प्रेस कमीशन विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिजर्विंग द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ऑफ मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ प्रेस इन इंडिया. ओके, वरना अपनी भी चाइना जैसी सिचुएशन हो जाएगी कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलो आप दूसरे दिन लिखने को ही नहीं मिलोगे, बट ऐसी सिचुएशन अपने यहाँ नहीं है. ओके, चलिए. द प्रेजेंट काउंसिल फंक्शंस अंडर द एक्ट, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978. इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ओके, एक वैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं, अगर मैंने आगे संवैधानिक बोला है तो उसको जरा करेक्ट कर लीजिए, वैधानिक संस्था है. कोशी जुडिशियल बॉडी है कि उसको कुछ कुछ हाई कोर्ट जैसे पावर्स मिले हुए हैं. अथॉरिटी फंक्शनिंग एज अ वॉच डॉग ऑफ द प्रेस, फॉर द प्रेस एंड बाय द प्रेस. इट एडजुडिकेट द कंप्लेंट्स अगेंस्ट एंड बाय द प्रेस फॉर वायोलेशन ऑफ एथिक्स एंड फॉर वायोलेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस रिस्पेक्टिवली. ओके, ये काफी एक्चुअली पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, क्योंकि आजकल का जर्नलिज्म एथिकल नहीं है, ये तो हम सबको पता ही है. ओके, कंपोजिशन क्या है इसका, द प्रेस काउंसिल इज हेडेड बाय अ चेयरमैन हु हैज बाय कन्वेंशन बीन रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे उसको पीसीआई का चेयरमैन बनाया जाएगा. काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 28 मेंबर्स, ऑफ होम 28 रिप्रेजेंट द प्रेस and are nominated by the press organizations, news agencies recognized and notified by the council as all India bodies of categories such as editors, working journalists and owners and managers of newspaper and news agencies. 5 members are nominated from 2 houses of the parliament, 3 from the cultural, library and legal fields as nominees of the Sahitya Academy, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया. ओके, तो यहाँ से ये 28 मेंबर्स को फिल किया जाएगा. हर मेंबर की टर्म कितनी होगी, 3 years. ओके, रिटायरिंग मेंबर शैल बी एलिजिबल फॉर नॉमिनेशन फॉर नॉट मोर देन 1 term. तो 2 से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए कोई भी वहां पे नहीं रह सकता. ओके, चलिए. ओके, अब देखिए उसके पावर कौन से, मैंने आपको बताया ना, कोशी जुडिशियल बॉडी है. द पीसीआई हैज द पावर टू रिसीव कंप्लेंट्स ऑफ वायोलेशन ऑफ द जर्नलिस्टिक एथिक्स और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय एन एडिटर और जर्नलिस्ट. ओके, कभी कुछ एडिटर ने कुछ ले आर्टिकल छाप दिया जो कि एथिकली रॉन्ग हो सकते हैं, तो उसको कंसिडरेशन में पीसीआई लेगा. द पीसीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग इन टू कंप्लेंट्स रिसीव. इट मे समन विटनेसेस एंड टेक एविडेंस अंडर ओथ, demand copies of public records to be submitted, even issues warning and admonish the newspaper, news agency editor or journalist. Decisions of the PCI are final and cannot be appealed before the court of law. See, इसीलिए वो quasi judicial body है, वो supreme authority है to decide whether this is wrong or this is right. Okay, limitations for the powers of PCI. The powers of the PCI are restricted in 2 ways. The PCI has limited powers of enforcing the guidelines issued. It cannot penalize newspaper, news agencies, editors and journalists for violation of the guidelines. The PCI only overviews the functioning of print media. That is, it can enforce a standard upon newspaper, journals, magazines and others from form of print media. This does not have the power to review the functioning of the electronic media. Okay, quasi judicial को अगर आपको हिंदी या गुजराती में बोलना है तो आप उसको अर्ध न्यायिक बोल सकते हो. ओके, अर्ध न्यायिक मतलब हाई कोर्ट जैसे कुछ कुछ पावर्स होगी उसके पास, बट सारी पावर्स वहां पे नहीं होगी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर PCI, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. ओके,
नाउ अगेन द फेमिलियर टॉपिक दैट इज आरबीआई टू रीस्टार्ट ऑपरेशन ट्विस्ट. ऑपरेशन ट्विस्ट हमने देख लिया था कि शॉर्ट टर्म की जो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी जो आरबीआई को वापस मिल रही थी अप्रैल में, उसको आरबीआई वापस बेच देगा गवर्नमेंट को. ओके चलिए. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट साइमल्टेनियस परचेजेस एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन फॉर 10,000 करोड़ फॉर ईच ऑन अप्रैल 27, कंसिडरिंग द करंट एंड इवॉल्विंग लिक्विडिटी एंड मार्केट कंडीशन. तो अब तो गवर्नमेंट को पैसों की खास जरूरत है क्योंकि आपकी इकोनॉमी पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है. ओके तो ये ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई वापस स्टार्ट करेगा. सच ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर नोन एज ऑपरेशन ट्विस्ट व्हिच वाज यूज्ड बाय आरबीआई इन डिसम्बर 2019 फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है देखिए, वो आपको यहाँ पे दिया गया है. यूएस फेडरल रिजर्व में ये ऑलरेडी पहले यूज किया गया था. ओके 2008-09 में भी यूएसए में ये यूज किया गया था. और बेसिकली वो क्या है ऑपरेशन ट्विस्ट, सेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एंड बाइंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज. क्यों ऐसा, ताकि गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिल सके लंबे समय के, और ये लंबा समय इज ऑलमोस्ट 2030 तक, 10 साल के लिए गवर्नमेंट को ये पैसा मिल जाएगा. ओके जस्ट ओपन योर नोटबुक जो हमने क्लास में किया था, जस्ट रिवाइज दैट एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस. ओके अंडर दिस मैकेनिज्म द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रांजिशनड इनटू अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज. क्यों लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की जरूरत पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और वो पैसा कौन देगा, आरबीआई देगी. ओके इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेशन ट्विस्ट, तब हमने देखा था कि भाई आरबीआई जो रेपो रेट है वो बार बार कम कर रहे हैं, फिर भी हमारी मार्केट सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं हो रही है. ओके उसकी वजह से रेपो रेट को स्टेबल करने के लिए ऑपरेशन ट्विस्ट लाया गया था. चलिए ये आपका जो है वो आपका दिस इज योर रिवाइज्ड ओनली, ये सारी चीजें हमने आपकी नोटबुक में आपको लिखी हुई मिलेगी. ओके चलिए. सेंटर फ्रीजेस डीएडीआर इंक्रीज फॉर स्टाफ. टियरनेस अलाउंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का फ्रीज कर दिया गया है. क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है टियरनेस अलाउंस देने के लिए. जो सारा पैसा था वो कहाँ पे यूज हो रहा है, कोविड-19 की लड़ाई में यूज हो रहा है. ओके The Finance Ministry has frozen the dearness allowance increase for the central government staff and dearness relief increases for pensioners for the period between January 2020 and July 2021. The move will impact 48 lakh central government employees. देखिए ये, this is only for central government employees and not for state governments. वो decide करना है state government को. Okay? And 65 lakh pensioners. However, DA and DR at current rates will continue to be paid to employees and pensioners. Okay. The 4% DA hike for central government employees announced in March 2020 was effective from January 1, 2020, जो कि उनको नहीं दिया जाएगा. Since states generally follow the central governments on DA and DR decisions, it is expected that states may announce similar decision. The savings on account of freezing of increase in DA and DR to central government employees and pensioners would be rupees 37,530 crore in the current financial year and 2021-22. Okay. This would create a room for stepping up expenditure on health and welfare measures amid COVID-19 pandemic. Also, the government finances have been strained due to decline in tax and non-tax revenues. If states follow the center, the estimated savings will be 82,566 crore. Okay, chaliye. और क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट, तो डीए इंक्रीज और डीआर इंक्रीज जो था पेंशनर के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, उसको 2021 तक उसको क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है. और क्या क्या है देखिए, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन लोगों ने 30% सैलरी कट लिया है. ओके इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, यूनियन प्राइम मिनिस्टर, एवरीवन. ओके फॉर अ ईयर, एक साल के लिए. ओके इट ऑल्सो डिसाइडेड टू सस्पेंड ऑल एमपी लेड्स, जो एमपी लेड में उन लोगों को जो
फंड दिए जाते थे, ऑलरेडी आगे के लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में एमपी लेड में आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। तो एमपी लेड भी फॉर टू फाइनेंशियल ईयर्स उनको नहीं मिलेगा, ओके। और वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको स्पेंड करेगी, किसी भी एमपी को वो ग्रांट नहीं दी जाएगी, ओके। अंडर एमपी लेड ईच एमपी गेट्स 5 crore एनुअली फॉर द डेवलपमेंट वर्क इन हिज और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ऐसे 10 crore रुपए अब किसी भी एमपी को वहां पे नहीं मिलेंगे, ओके। और डियरनेस अलाउस और डियरनेस रिलीफ क्या है, दिस इज योर एक्स्ट्रा स्टफ, ओके। जस्ट एक बार पढ़ लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा, ओके। कन्वर्जन ऑफ सरप्लस राइस टू इथेनॉल, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो एक्स्ट्रा राइस गवर्नमेंट के पास पड़ा है, ओके, उसको वो इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अलाउड द कन्वर्जन ऑफ सरप्लस राइस टू इथेनॉल। इथेनॉल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस विल बी यूज्ड फॉर यूटिलाइजेशन इन मेकिंग अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। जो हैंड सैनिटाइजर की अछत हुई थी, जो लैक ऑफ सैनिटाइजर हुआ था पिछले कुछ दिनों में, उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया, क्योंकि हमको पता है कि COVID-19 आने वाले लंबे टाइम तक हमारे साथ रहने वाला है, ओके। तो सैनिटाइजर्स की सब लोगों को आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी वजह से ये कदम उठाया गया है। इथेनॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेरिएबल ऑल्टरनेटिव अमॉन्ग बायोफ्यूल्स। द नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी टुक दिस डिसीजन which will lead to utilization of part of a huge stockpile of 30.57 million tons of rice, okay, which is almost 128% more than the buffer stock and strategic requirement norms. So, itne million tons ko ethanol mein convert kiya jayega. At present, the FCI, Food Corporation of India, has huge rice stock from previous years, excluding the unmilled paddy lying with millers on behalf of FCI. ओके, तो काफी सारा हमारे पास बफर स्टॉक अभी पड़ा हुआ है, ओके। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि भाई इतना सारा बफर करने की जरूरत नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, इथेनॉल में बायोफ्यूल कन्वर्ट कर देंगे। यूजिंग सरप्लस राइस फॉर इथेनॉल विल एड्रेस द कंसर्न ऑफ अबाउट 750 मिलियन लीटर्स ऑफ ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी कैपेसिटीज लाइंग आइडियल ड्यू टू द लैक ऑफ फीड स्टॉक इन इंडिया। द टोटल कैपेसिटी of grain-based distilleries is close to 2 billion liters, of which ground 38% was lying unused. The National Policy on Biofuels 2018 allows conversion of surplus quantities of food grains to ethanol when there is a projected oversupply of food grains. Okay? Aur ye aapki National Policy on Biofuels 2018 hai. Okay? जस्ट एक बार इसको पढ़ लीजिए, ओके। उसको मैंने आपको पूरा पिक्चराइज करके पीछे दिया हुआ है, ओके। दिस इज योर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018, ओके, जो उसके सेलियंट फीचर्स है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ऑलरेडी हम जीपीएससी पूछ चुका है इसको, ओके। सो दिस इज लाइक ऑफ रिविजन टॉपिक टू अस, ओके। द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम ऑफ तेलंगाना इज मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ द गोदावरी रिवर इन कालेश्वरम नाम की जगह पे बनाया गया है, भूपालापल्ली तेलंगाना, ओके। द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स एट द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ प्राणहिता रिवर एंड गोदावरी रिवर। जीपीएससी ने यह सवाल पूछा था कि गोदावरी रिवर के साथ और कौन सी रिवर इसमें इंक्लूडेड है, तो दैट इज प्राणहिता रिवर। ओरिजिनली कॉल्ड प्राणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट in the erstwhile Andhra Pradesh state, it was redesigned, extended and renamed as Kaleshwaram project in Telangana in 2014. Okay, so pehle ye tha Andhra Pradesh mein, after the division of Andhra Pradesh, it fall under Telangana state. Benefit kya hai? It would bring drinking water and irrigation to backward areas of Telangana. It will also help to restore the groundwater level to its original state by the way of shifting from usage of groundwater for irrigation to usage of surface water. The project will also support Mission Kaktiya and Mission Bhagiratha schemes designed to provide drinking water
to many villages and improve the capacities of tanks. Okay, Godavari river kya hai? Okay, ये मैंने पिछली बार हमने यमुना रिवर के बारे में पढ़ा था. ओके, प्रीवियस लेक्चर में. ये आपका गोदावरी रिवर, इट इज इंडियाज सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर गंगा. उसका सोर्स कहाँ है? त्रंबकेश्वर, महाराष्ट्र. ओके, कौन से स्टेट्स में से वो जाती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड कर्नाटका. ओके, और अल्टीमेटली वो कहाँ पे जाके मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में. उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? प्रवारा, मांजरा, मुनेर, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी. ओके, कुंभ मेला इज हेल्ड एट नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एवरी 4 years बाई रोटेशन. सदरमठ एनीकट अक्रॉस रिवर गोदावरी इज वन अमोंग द टू इरीगेशन प्रोजेक्ट्स इन द इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरीगेशन एंड ड्रेनेज रजिस्टर ऑफ हेरिटेज इरीगेशन स्ट्रक्चर. प्राणहिता रिवर के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है. ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. ओके, आप इसको अपने ज्योग्राफी के नॉलेज के साथ इंक्लूड कर सकते हो. ओके, दिस इज एक्स्ट्रा स्टफ. ओके, जीपीएससी अनलाइकली टू आस्क दिस, बट अगर हमें पता हो तो इट इज वेल एंड गुड. ओके, तो मिशन काकतीय क्या है ये आपको यहाँ पे पढ़ना है. दिस इज एन एक्स्ट्रा स्टफ फॉर यू. ओके, चलिए, बेस्ड ऑन प्रीवियस लेक्चर्स मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे तैयार किए हैं. आपको इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं. ओके, ये है आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन और ये है आपका तीसरा क्वेश्चन. ओके, चलिए, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स. ओके, एंड आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दें. ओके, चलिए, स्टे होम, स्टे सेफ.